तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं 9:30। अभी बस मैं जिम के लिए निकल रहा था। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और आज थोड़ा व्लॉगिंग लेट से स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं लेट से सो के उठा। तो कोई नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं जिम, दिखाते हैं। आज मेरा पुश वर्कआउट है तो आज मैं चेस्ट और ट्राइसेप करूँगा। पिछली बार मैंने डंबल से किया था तो इस बार मेरा बारबल का टर्न है तो बारबल से वर्कआउट करेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कौन कौन सा वर्कआउट करता हूँ और मैं थोड़ा बहुत टिप्स भी देने वाला हूँ आप लोग को ट्राइसेप से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं। ये रही अपनी धुनो, चलने के लिए तैयार है। तो गाइस, चेस्ट वर्कआउट डन। अब बात करते हैं ट्राइसेप के बारे में। ट्राइसेप हम लोग की आर्म्स की सबसे बड़ी मसल है। बाइसेप से बड़ी मसल हम लोग की ट्राइसेप की होती है क्योंकि ट्राइसेप में 3 मसल होती है। ये जो इधर ये वाला भाग है इसको लॉन्ग हेड बोलते हैं और इसको लेटरल हेड बोलते हैं और बीच वाले को मिडिल हेड बोलते हैं। वो अंदर होता है तो जल्दी दिखता नहीं है, मिडिल हेड। ट्राइसेप में लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जैसे ट्राइसेप को बहुत ज़्यादा वेरिएशन दे देते हैं। जैसे पुली पुल डाउन मारेंगे फिर तो उसी पे रोप एक्सटेंशन कर लेंगे, उसी पे रिवर्स एक्सटेंशन। मतलब ज़्यादातर लोग बस आइसोलेशन मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, उसमें कंपाउंड मूवमेंट को ऐड ही नहीं करते हैं। ट्राइसेप बड़ी मसल है, इसको कंपाउंड मूवमेंट की ज़रूरत है। ट्राइसेप की एक्सरसाइज में आपको कंपाउंड मूवमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। इस पे आप लोग ज़्यादा वेट के साथ कर सकते हो और इस एक्सरसाइज से आपके ट्राइसेप की सारे हेड हिट होते हैं, जैसे आपकी लॉन्ग हेड, मिडिल हेड और लेटरल हेड। ट्राइसेप के अलग अलग हेड को कैसे हिट कर सकते हो आप? जैसे अगर आपका ये जो रिस्ट है ये क्लोज हो, जैसे ये रिस्ट क्लोज हो और आपकी एल्बो बाहर हो और आप ऐसे पुश करोगे तो आपके लेटरल हेड पे आता है। और अगर आपकी ग्रिप बाहर हो, मतलब आपका रिस्ट बाहर हो और आपका एल्बो अंदर हो और आप अगर रिवर्स ग्रिप के साथ ऐसे पुश करते हो तो आपका मिडिल हेड पे आता है। और सबसे बड़ी मसल ये जो हम लोग की लॉन्ग हेड है, इसको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा कंपाउंड मूवमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहली एक्सरसाइज हम लोग की होती है लॉन्ग हेड को हिट करने के लिए स्कल क्रशर। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी गलतियाँ आप लोग करते हो। स्कल क्रशर में आपको ये ध्यान देना है कि आपकी ये जो एल्बो हो ये पीछे साइड हो। जैसे बहुत लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि ऐसे लिफ्ट करेंगे और यहीं से ऐसे करते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे कोई भी मसल आपके हिट नहीं हो रही है, बस आपका हाथ थक रहा है। इसको करने के लिए पहले अपनी एल्बो को पीछे करिए, फिर यहाँ से पूरा नीचे लाइए और यहीं पे सीधा करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ तो लाएंगे फिर सीधा करते टाइम यहाँ लेते आते हैं, ये भी गलत है। आपका एल्बो एकदम फिक्स्ड होगा यहाँ पे, इसके बाद आप नीचे लाओगे और ऊपर करोगे, ये पोस्चर होना चाहिए आपका। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम लोग क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस पे। इस पर आप क्या कर सकते हो, इस पर आप बहुत ज़्यादा वेट कर सकते हो। ये एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, इसमें आपकी सारी मसल ट्रेन होगी, मतलब ट्राइसेप की सारी मसल ट्रेन होगी। इसमें आप कितना भी हैवी जा सकते हो, जितना हैवी जाओगे उतना ही आपकी मसल में फटीक आएगा और उतना ही आप ग्रो कर सकते हो अपनी मसल को। ट्राइसेप में ज़्यादातर एक्सरसाइजेज आइसोलेशन वाली होती हैं, पर कंपाउंड इसमें ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्राइसेप बड़ी मसल है और इसको ग्रो करने के लिए हमको कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको आर्म्स बड़ी करनी है तो आपको ट्राइसेप पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बाइसेप से तेज ट्राइसेप ग्रो होता है क्योंकि उसमें 3 मसल होती है। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस में ये ध्यान देना है आपको कि आपका हाथ क्लोज होगा, जैसे जब हम नीचे लाएंगे तो ये बाहर साइड नहीं नीचे जाएगा, ये आपके ये जो ये वाला बैक है, बैक से सटते सटते नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। जैसे कैसे करना है ध्यान दीजिए, ये हाथ आपका क्लोज हो गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा और यहीं पे ऊपर आएगा, ये पोस्चर होगा। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से करोगे तो आप दुगुनी तिगुनी रफ्तार से अपनी मसल को ग्रो कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जिम कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी मसल ग्रो होगी। गलत करोगे तो भी ग्रो होगी, सही करोगे तो भी ग्रो होगी। गलत करोगे तो आपकी मसल जो 1 महीने में ग्रो होगी, अगर सही करोगे तो 10 दिन में ग्रो होगी। डिफरेंस बस ये होता है, जैसे मैं ही देखता हूँ कई जिम में बहुत अच्छी अच्छी फिजिक रखते हैं लोग, पर उनका पोस्चर गलत होता है, पर वो बहुत लंबे टाइम से जिम कर रहे होते हैं,
तो पोस्चर अपना सही करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए तीसरी मिस्टेक देखते हैं कि तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं। तीसरी मिस्टेक ये है कि जब हम लोग पुली पुल डाउन करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिफ्ट करेंगे यहीं तक ला के फिर ऊपर पर, मतलब इससे आपका कुछ नहीं होगा, इससे आपकी बॉडी सिर्फ पंप होगी पर मसल ग्रो नहीं होगी। जितनी भी आइसोलेशन वाली ट्राइसेप की एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपका हाथ एकदम सीधा होना चाहिए, जैसे पूरा ये स्ट्रेट होगा ऐसे। जब ये पूरा स्ट्रेट होगा तब आपका ट्राइसेप एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें फटीक आएगा, उस पर हिट करोगे आप। और अगर आप आधा आधा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना पोस्चर प्लीज़ सही से करो। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो हम लोग का डंबल बैक कीक वाली एक्सरसाइज है ये बहुत हैवी से करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी जाते हैं इस पर। आपको इस पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना है, आपको इसको बस फील करना है। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन रहा है तो इस वाली एक्सरसाइज से ज़रूर आपका बनेगा, क्योंकि इसमें अगर आप बिना वेट के भी एकदम ऐसे स्ट्रेट करोगे तो आपकी ट्राइसेप को हिट करेगा ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेट से आप मत करिए, 5, 7.5, 10 एनफ है। इसको करना कैसे है आपको, आप थोड़ा अपना बॉडी को बैंड कर दीजिए और आपका एल्बो पीछे रहेगा और यहीं पे पूरा स्ट्रेट करना है। ये भी नहीं करना है कि आधा आधा ले आके ऐसे लिफ्ट कर, ऐसे नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट करना है, फील करना है, फिर ले आना है। और जो पांचवी मिस्टेक है कि जैसे एक ही एक्सरसाइज कई बार करना, एक ही मसल को कई तरीके से हिट करना, जैसे पुली पुल डाउन कर लिए, फिर रोप से कर लिए, फिर उसको रिवर्स से कर लिए, ये नहीं करना है आपको। जैसे अगर आपको लॉन्ग हेड पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसा मैंने बताया स्कल क्रशर, उसको कर सकते हो आप। आप डंबल ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन भी कर सकते हो। इसमें भी जैसे क्या करते हैं लोग, इसको यहीं तक लाते हैं फिर ऊपर पूरा सीधा करते हैं, यहाँ कर लिया सीधा। जब तक आपकी ट्राइसेप में पूरा स्ट्रेच नहीं आएगा तब तक वो ग्रो नहीं होगी। जैसे इसको पूरा नीचे ले आके पूरा स्ट्रेच करिए, उसके बाद ऊपर ले आइए, ऐसे पूरा नीचे स्ट्रेच होगा फिर ऊपर आएगा। जितना ही आप स्ट्रेच करोगे नीचे ले जाके उतना ही ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपके ट्राइसेप पे। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे ही ज़्यादा टाइम तक रह जाओगे। तो अपना पोस्चर सही करो और कोई भी एक्सरसाइज सही से परफॉर्म करने का ट्राई करो। जैसे मसल माइंड कनेक्शन जो होता है वो एक ही दिन में नहीं बन जाता है, धीरे 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 फील करते करते बनने लगता है। और अगर आप चाहो कि एक ही दिन में आपको पूरा फील आने लगे तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर आप एडवांस हो या इंटरमीडिएट हो और कोई पोस्चर आपका गलत है तो उस टाइम आपको कोई सही पोस्चर बताएगा तो उस समय एकदम आप फील करोगे, पर अगर आप बिगनर हो तो तुरंत फील नहीं करने लगोगे, धीरे धीरे आपका माइंड मसल कनेक्शन बनने लगेगा। तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे वर्कआउट करो, और अगर आपको नहीं आए तो पूछ लो किसी से, या फिर मैं बता ही रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, एक एक चीज़ को ध्यान से समझो। इसके साथ वर्कआउट डन, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ टिप्स मिला होगा ट्राइसेप के बारे में। अब चलते हैं घर, वर्कआउट डन।